नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे और इस वीडियो के बाद और ज्यादा दुरुस्त हो जाओगे, क्योंकि आखिरकार सभी 12वीं पास छात्रों के लिए भी गुड न्यूज आ ही चुकी है। जी हां दोस्तों, फाइनली रेलवे ने 12th पास वालों के लिए भी एनटीपीसी की वेरियस पोस्ट के ऊपर 3,445 वैकेंसी के लिए फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, फाइनली 12th पास वालों के लिए भी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और काफी बड़े बड़े बदलाव के साथ इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि यार एक छोटी सी गलती की वजह से सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं, जो जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। इंपोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, पोस्ट वाइज मेडिकल क्राइटेरिया, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरीके से लगाने हैं और फॉर्म अप्लाई करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है इस बार, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जोन वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में भी बात करेंगे, किस जोन से कितनी वैकेंसी निकली, किस पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक डेट और टाइम नोट कर लीजिए दोस्तों, 1st of October शाम 5 बजे यानी कि ट्यूजडे के दिन सभी रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। दोस्तों इस सरप्राइज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, 1 तारीख शाम 5 बजे वाला वीडियो किसी भी हालत में मिस मत कर दीजिएगा। फिर चाहे आप ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 12th लेवल वाले के लिए तैयारी कर रहे हो, इसीलिए अगर चैनल के ऊपर नए हो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, आज यानी कि 20 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कल से यानी कि 21 सितंबर से होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है ना वो 20 अक्टूबर 2024 रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्म में करेक्शन करने की जो विंडो खुलेंगी यानी कि फॉर्म को आप मॉडिफाई जो कर पाओगे ना, वो 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 तक कर पाओगे। एक चीज का ध्यान रखेगा दोस्तों, फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म मॉडिफिकेशन में आपका चार्ज लगता है। चार्ज कितना लगेगा, कैसे फॉर्म मॉडिफाई होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो फाइनली कल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे एनटीपीसी 12th लेवल वाली वैकेंसी के लिए। क्लियर है? पोस्ट वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी दे रखी है, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे और सैलरी के बारे में भी यहीं पर बात करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, और साथ ही जोन वाइज वैकेंसीज के बारे में हम आगे देखेंगे किस जोन से कितनी वैकेंसी है। 12th वालों के लिए यहां पर 4 पोस्ट निकली हुई है एनटीपीसी के अंडर, जिसमें से पहली सबसे बढ़िया पोस्ट कमर्शियल कम टिकट कलर की है, जो कि लेवल 3 की पोस्ट होती है। इसके लिए टोटल वैकेंसीज 2022 हैं। दूसरी पोस्ट अकाउंट क्लर्कम टाइपिस्ट की है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 361 है। तीसरी जूनियर क्लर्कम टाइपिस्ट की है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 990 है। चौथी पोस्ट ट्रेन्स कलर की है, टोटल वैकेंसी यहां पर 72 निकली हुई है। सभी पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12वीं पास वालों के लिए 3,445 यहां पर निकल के आई है। किस पोस्ट के लिए यहां पर थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा और किसके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ये सारी जानकारी आगे मैं आपको दे ही रहा हूं। यहीं पर पोस्ट वाइज एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सभी पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल इस बार मांगी गई है। अगले साल जब एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी, एज लिमिट 18 से 30 साल रहेगी। वैकेंसी लेट आई है, कोरोना की वजह से आपको 3 साल का एज लिमिट रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है, सभी कैटेगरी वालों को 18 से 33 साल एज लिमिट है। बाकी दोस्तों एसटी एससी ओबीसी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का मिलता है। अब सीधा सीधा आप समझ लीजिए, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2025 तक होगी। देखिए दोस्तों एज लिमिट किस तरीके से है, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है ना, उनका जन्म 2 जनवरी 1992 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। ओबीसी वालों का जन्म 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर हुआ है तो भाई वे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी वालों का जन्म अगर 2 जनवरी 1987 लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ है तो भाई वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? सभी पोस्ट के लिए आप यहां पर एलिजिबल होंगे, समझ गए, क्योंकि सभी पोस्ट का एज लिमिट क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। अब पोस्ट वाइज सैलरी के बारे में यहीं पर बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन सैलरी ही है भाई।
सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट हमारी ये है, क्योंकि ये लेवल 3 की पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। इस पोस्ट का जो बेसिक पे 21,700 है, ये जस्ट बेसिक पे है। इस बेसिक पे के साथ आपके कुछ अलाउंसेस भी जुड़ते हैं, जैसे कि एक डियरनेस अलाउंस जुड़ता है जो कि बेसिक पे का 50% होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर जो इनिशियल इनहेंड सैलरी मिलेगी वो लगभग आपको 43,000 के आसपास मिलेगी, ठीक है। लगभग आपको इतनी सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर, पहले महीने से इतनी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। जितनी भी बाकी की 3 पोस्ट है, ये सारी की सारी आपकी लेवल 2 की पोस्ट है, ठीक है। इन तीनों पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी, ये जो बाद की 3 पोस्ट है, यहां पर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी लगभग 38,000 से 39,000 के आसपास रहेगी। 38,000 से 39,000 रुपए महीना आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी। रेलवे में आपको अलाउंसेस सिक्योरिटीज को ज्यादा मिलते हैं, इसलिए सैलरी बाकी डिपार्टमेंट से आपको थोड़ी ठीक ठाक मिलती है, ठीक है। ये दोस्तों पोस्ट वाइज मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, किस तरीके से है, क्या क्या टेस्ट होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आई टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। सैलरी हो गई, सभी 12th लेवल की पोस्ट है, ये शुरुआत में बता दिया। 12वीं पास वाले एलिजिबल है, बाकी जो ग्रेजुएट है भाई वो भी एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि निकले ग्रेजुएट पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कम से कम 12वीं पास है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे, लेकिन सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद 400 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं, टेक्निकली फॉर्म फीस 100 रुपए ही रह जाती है। एसटीएससी फीमेल पीएच वालों के लिए 250 रुपए शुरुआत में मांगे जाते हैं, सीबीटी 1 होने के बाद 250 के 250 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं, तो यहां पर फॉर्म फीस 0 है, क्लियर है। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, बात करते हैं कि भैया फॉर्म अप्लाई करने के बाद किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक सीबीटी 1 एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका एग्जाम पैटर्न यह है और यह केवल क्वालिफाइंग नेचर है। स्टेज सेकंड में एक सीबीटी 2 एग्जाम होता है, जिसका एग्जाम पैटर्न यह है। और स्टेज थर्ड में कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके जिनमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। अब किस में टाइपिंग टेस्ट है किस में नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सिलेक्शन प्रोसीजर में काउंट नहीं होते, सिलेक्शन होने के बाद हो जाते हैं, वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका स्टेज फर्स्ट सीबीटी 1, ठीक है, जो कि सबसे पहले होने वाला है और सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, सभी पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे ना, आपके पास ऑप्शन रहेगा जहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है कि आप पहली प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट को दे रहे हो, आपकी पसंदीदा पोस्ट कौन सी है। कुछ लोग पहली प्रेफरेंस कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को देंगे, कुछ लोग अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को देंगे, तो इस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है। हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना नहीं होता, इसलिए सभी पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। पोस्ट किस तरीके से मिलेंगी वो आपके कट ऑफ के बेसिस पर मिलेगी, क्योंकि हर एक पोस्ट का जो है ना कट ऑफ मेरिट वो अलग अलग बनती है, ठीक है। तो भाई स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, क्लियर है। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन आएंगे। इसी के बेसिस पर सीबीटी 1 एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर आपको दिया जाता है। 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट होने वाली है, 1.5 घंटा आपके पास होगा। और एग्जाम में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि 0.33 मार्क्स आपका एक गलत क्वेश्चन पर काट लिया जाता है, क्लियर है। सीबीटी 1 होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाएगी रेलवे के जोन वाइज और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, और ये कट ऑफ कुछ इस तरीके से बनाई जाती है ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 15 टाइम्स यानी कि 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके, क्लियर है। सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसका एग्जाम पैटर्न ये रहा, ठीक है। सब्जेक्ट आपके सेम है, सिलेबस भी आपका सेम होता है, बस क्वेश्चन का वेटेज और एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस होता है। इसमें भी आपको जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सीबीटी 2 ये जो एग्जाम है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही है और सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, बिल्कुल सेम है। यहां पर जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आते हैं, सीबीटी 1 में 40, यहां पर 50। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 35, इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन होते हैं। सीबीटी 1 में 100 थे, यहां पर 120 होते हैं, लेकिन इन 120 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 90 मिनट ही आपके पास होती है, यानी कि यहां पर आपको टाइम कम मिल रहा है। और यहां पर भी 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम आपका हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज में होगा, यानी कि अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और आप इंग्लिश के साथ साथ गुजराती भाषा में भी एग्जाम को चाहते हैं, तो आपको गुजराती भाषा में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। सीबीटी 2 ये आपका एग्जाम हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है, सीबीटी 2 जो है ना वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। ऐसा नहीं है जैसे कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये लेवल 3 की पोस्ट है, इसका एग्जाम अलग होगा, या फिर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की पोस्ट है, इनका एग्जाम अलग ना।
यहां पर लिखा हुआ है सीबीटी 1 कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सीबीटी 2 कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। ये इस बार सबसे बड़ा बदलाव किया गया। पिछली बार क्या था, लेवल 3 के लिए अलग एग्जाम था, लेवल 2 की पोस्ट के लिए अलग था, लेकिन इस बार सभी पोस्ट के लिए एग्जाम बिल्कुल सेम है। और यहीं पर देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के थर्ड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन दोनों पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, केवल दो पोस्ट की थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट है। क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। देखिए दोस्तों, स्किल टेस्ट के लिए थर्ड स्टेज के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, सीबीटी 2 एग्जाम होने के बाद ना कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज फिर से एक और कट ऑफ बनती है, जो कि सीबीटी 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है, 120 नंबर में से एक कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और ये कट ऑफ कुछ इस तरीके से बनाई जाती है ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 8 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। यानी कि अगर किसी पोस्ट के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट के ऊपर 990 कैंडिडेट है, तो 990 वैकेंसीज हैं, तो 990 वैकेंसीज के 8 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है, यानी कि 990 मल्टीप्लाई 8, इतने कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इस तरीके से कट ऑफ को बनाया जाता है, समझ गए। सिलेबस, ये रहा दोस्तों सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये रहेगा। एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स रहता है। सिलेबस आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे, ये वो मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का पूरा सिलेबस है, ठीक है, और ये जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस है, जहां पर करंट इवेंट्स आपके आएंगे, मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस, जनरल साइंस, लाइफ साइंस से रिलेटेड 10वीं बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं, यानी कि क्लास 10th में जो आपने पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक्स वगैरह पूरा सिलेबस है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की तो प्रॉब्लम खत्म कर ही रखी है। रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक आपके हाथ में अब तक पहुंच चुकी होगी, इंडिया के हर एक स्टूडेंट के हाथ में पहुंच रही है, ठीक है, हर एक रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी के 2019 वाला जो पेपर हुआ था ना, सीबीटी 1 या फिर सीबीटी 2 एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन शिफ्ट वाइज आंसर के साथ दे रखे हैं। स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन दे रखा है टॉपिक वाइज, क्लियर है। साथ ही ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक के अंदर, क्लियर है। साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर आधारित दे रखे हैं, तो गर्दा उड़ा देगी यार ये बुक अगर आप इससे तैयारी करते हो। रेलवे सामान्य अध्ययन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, परचेज करके तैयारी शुरू कर दो। अब देखें दोस्तों, सीबीटी 2 एग्जाम होने के बाद थर्ड स्टेज टाइपिंग टेस्ट बता चुका हूं, दो पोस्ट के लिए होगा, एक आपकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर, दूसरी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए आपका होने वाला है, क्लियर है। अब टाइपिंग में बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इन दोनों पोस्ट के लिए जो टाइपिंग है ना, हिंदी या फिर इंग्लिश की कैसे भी आप कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी कम से कम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर सकते हो। हिंदी वालों की यहां पर 25 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी गई है, जो कि आपके, जो कि कंप्यूटर के ऊपर होने वाला, यानी कि टाइपराइटर वगैरह नहीं, कंप्यूटर के ऊपर आपका होगा, क्लियर है। अगर आप हिंदी के टाइपिस्ट हो तो हिंदी में आपके दो फोन चलते हैं, या तो कृतिदेव चलता है या फिर मंगल फोन, ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई नंबर नहीं दिए जाते, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, इंग्लिश वालों को 10 मिनट में 300 वर्ड लिखने होते हैं, टाइप करने होते हैं, हिंदी वालों को 10 मिनट में 250 वर्ड टाइप करने होते हैं, क्लियर है। ये आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट की एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करनी होती है, क्लियर है। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम जिनका आपको ध्यान करना है। देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते टाइम 3 डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से आपके अपलोड होंगे, जिसमें से एक तो आपका फोटो अपलोड होता है, और एक आपका क्या सिग्नेचर अपलोड होता है, और एक आपका SC/ST सर्टिफिकेट अपलोड होता है। देखिए दोस्तों, जो आपका फोटो अपलोड होगा ना, वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 30 KB से 70 KB के बीच में उसका साइज रहना चाहिए, ठीक है। वहीं पर सिग्नेचर भी आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए, क्लियर है। वहीं पर जो SC/ST सर्टिफिकेट होगा, क्लियर है दोस्तों, SC/ST सर्टिफिकेट, ये आपका
पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, पीडीएफ, ठीक है। और वहीं पर टेंथ का सर्टिफिकेट, टेंथ की मार्कशीट भी आपकी इसमें अपलोड होगी, दसवीं की, और वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिसका साइज यहां पर दे रखा है 500 केबी के आसपास, ठीक है। 500 केबी से ज्यादा आपके डॉक्यूमेंट का साइज नहीं होना चाहिए। और एससी एसटी सर्टिफिकेट भी केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को अपलोड करना है जिनको एग्जाम के टाइम पर फ्री ट्रेवल पास चाहिए, मतलब आप फ्री जाओगे, छूट होगी किराए में, ट्रेन से में आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेवल पास आपको मिलेगा, ठीक है। तो उनको लगेगा ये कि केवल, ठीक है, बाकी ओबीसी वालों को कोई सर्टिफिकेट वगैरह यहां पर अपलोड नहीं करना, ठीक है, और शुरुआत में ईडब्ल्यूएस वालों को भी नहीं करना, समझ गए। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। बाकी मेडिकल टेस्ट हमारा रह गया यहां पर। देखिए दोस्तों, मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, मेडिकल टेस्ट का स्टैंडर्ड आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पर पोस्ट वाइज मेडिकल टेस्ट का स्टैंडर्ड है, जैसे कि इस पोस्ट के लिए कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट के लिए B2 कैटेगरी का मेडिकल टेस्ट होगा। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है B2 मेडिकल टेस्ट कैटेगरी में कौन सा टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आई साइट की रेंज आपके सामने है। अब इस अकाउंट्स कलर कम टाइप इसमें C2 स्टैंडर्ड का मेडिकल टेस्ट होगा, ये आपको दिख रहा है, C2 के सामने लिखा हुआ है, आई साइट की आपकी रेंज वगैरह इतनी होनी चाहिए। तो भाई ये आपका सिंपल सा मेडिकल टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होता है। फाइनल मेरिट जो आपकी होती है वो CBT2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनती है, किसके, CBT2 केवल, ठीक है। 120 नंबर का आपका CBT2 था, तो 120 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी जो कि आपकी रेलवे के जोन वाइज, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज बनती है, मतलब कॉमर्शियल कम टिकट कलर की एक कट ऑफ अलग बनेगी, ठीक है। कॉमर्शियल कम टिकट कलर की ये पोस्ट है, जनरल कैटेगरी की अलग, ओबीसी की अलग, एससी कैटेगरी की अलग, एसटी कैटेगरी की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग, क्लियर है। और अजमेर जोन की मान के चलिए एक अलग कट ऑफ बन गई। उसके बाद आपकी प्रयागराज है मान के चलिए, ठीक है, यहां पर CCTC कॉमर्शियल कम टिकट कलर की कट ऑफ अलग रहेगी, ठीक है, और जूनियर कम टाइपिस्ट की कट ऑफ अलग रहेगी। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है। जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस जोन की जिस भी पोस्ट की कट ऑफ में फिट बैठोगे, जिस भी पोस्ट की कैटेगरी कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर रहे होंगे, फाइनली वही पोस्ट आपको दी जाएगी आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओ, इतने बढ़िया आपके नंबर है कि आप चारों की चारों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए, इस कंडीशन में आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी, आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी कि आपने पहली चॉइस कौन सी पोस्ट को दे रखी है, दूसरी चॉइस कौन सी पोस्ट को दे रखी है, फिर उसके बेसिस पर आपको यहां पर पोस्ट दी जाएंगे, क्लियर है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी, जिस भी स्टेट से आप, मतलब जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, तो वही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। कुछ लोग अजमेर से अप्लाई करेंगे, अजमेर जोन से, तो उनकी वो रहेगी प्रयागराज, गोरखपुर, इस तरीके से आपकी जॉब रहेगी। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अपने होम स्टेट में भी आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाता है, क्लियर है। जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी, काम आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों 5 पोस्ट है आपकी, और ये पांचों की पांचों पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, कोई फिजिकल ड्यूटी आपको मोस्टली नहीं करनी पड़ती। ज्यादातर जो होता है ना वो क्लरिकल काम है, कंप्यूटर बेस्ड ही आपको काम करना होता है, ठीक है, तो ज्यादातर कंप्यूटर बेस्ड आपका वर्क होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम फाइनली देखेंगे जोन वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में, यानी कि किस रेलवे जोन से टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है, किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है। जैसे कि पहला रेलवे जोन हमारा अहमदाबाद है, अहमदाबाद से टोटल वैकेंसीज 210 यहां पर निकल गई है, आपको दिख रहा होगा। पोस्ट वाइज वैकेंसीज का ब्यौरा भी आपके सामने है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क से जनरल वालों के लिए 63 है, एससी वालों के लिए 23 है, एसटी के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 40 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 17 है, और टोटल 155 वैकेंसीज अहमदाबाद जोन में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर है, और टोटल 210 वैकेंसीज है, क्लियर है। दूसरा रेलवे जोन हमारे सामने है अजमेर, अजमेर से केवल 2 ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, तो 71 ही वैकेंसीज है। देखिए दोस्तों ये वाली चीज काफी सारे स्टूडेंट्स को तंग कर सकती है, क्लियर है, केवल इस जोन से 2 ही वैकेंसी है, जिसकी वजह से जोन के ऊपर कॉम्पिटिशन बहुत ही कम रहेगा, क्लियर है, कोई क्यों अप्लाई करेगा इस जोन से, 2 ही तो है, ठीक है। तो यही चीज है जिसकी वजह से आपको फॉर्म बहुत ही देख के भरना होता है, ठीक है। तीसरा और यही वो बदलाव है, क्योंकि पहली बार
इन जोन से सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार कम वैकेंसीज है। बेंगलोर जोन केवल तीन इन तीन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है और केवल बेंगलोर जोन से 60 वैकेंसीज है। पिछली बार बढ़िया वैकेंसीज थी, क्लियर है। वहीं पर अगर हम बात करें भोपाल जोन से, टोटल 58 वैकेंसीज है, चारों की चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। वहीं पर बात करें अगर हम भुवनेश्वर जोन के बारे में, 56 टोटल वैकेंसीज है, ठीक है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। वहीं पर अगर हम बिलासपुर जोन से बात करें, 152 वैकेंसीज है, ठीक वैकेंसी है, काफी बढ़िया वैकेंसीज है बिलासपुर जोन से। वहीं पर अगर हम देखें चंडीगढ़ जोन, 247 सबसे बेहतरीन वैकेंसी चंडीगढ़ जोन से निकल के आ रही है, 247 वैकेंसीज है और चारों की चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, क्लियर है। साथ ही चेन्नई जोन से 194 वैकेंसीज है, चेन्नई जोन से 194 वैकेंसीज है, लेकिन ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर केवल एक ही वैकेंसीज है। वहीं पर आती हमारा गोरखपुर जोन, 120 टोटल वैकेंसीज है। वहीं पर है हमारा एक ये कौन सा है, गुवाहाटी जोन, 175 वैकेंसीज है। वहीं पर अगर हम बात करें श्रीनगर जोन, तो टोटल 147 वैकेंसीज है। वहीं पर अगर हम बात करें ये कौन सा है भाई, कोलकाता जोन, जबरदस्त 452 वैकेंसीज है कोलकाता जोन से, तो रेड जोन बनने वाला है भाई, 452 वैकेंसीज कोलकाता जोन से, और हर एक पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज बढ़िया है, हर एक पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज बढ़िया है, ये नहीं कि किसी पोस्ट के ऊपर कम हो या फिर ज्यादा हो। मालदा जोन से 12 वैकेंसीज है, काफी निराश करा है इस बार। वहीं पर अगर हम मुंबई जोन की बात करें, तो 699 वैकेंसीज। रेलवे जोन को देखिए दोस्तों, 699 वैकेंसीज। वहीं पर कोलकाता जोन देखिए कितनी थी, 452 वैकेंसीज। तो रेलवे अभी तक जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज दिखी है हमें, मुंबई जोन से दिखी है, कितनी, 699, यानी कि 700 समथिंग, और सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, ठीक है। वहीं पर आता है मुजफ्फर जोन, 68 वैकेंसीज है, रेड जोन मतलब इस बार ग्रीन जोन रहेगा ये। पटना से 16 वैकेंसीज है। प्रयागराज जोन से 389, ठीक वैकेंसीज हैं, पिछले साल की तरह रहेगा। रांची जोन से 76 वैकेंसीज हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सिकंदराबाद से 89 वैकेंसीज है, 89, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें सिलीगुड़ी से 42 वैकेंसीज, त्रिवंदमपुरम से 112 वैकेंसीज है, ठीक है, 112 है टोटल वैकेंसी, 3445 है सभी जोन से। तो भाई ये जोन वाइज वैकेंसीज का भी हो रहा है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां से है, पहले नंबर पर मुंबई 699, दूसरे नंबर पर 400 समथिंग कोलकाता, तो दोनों के दोनों रेड जोन बनेंगे भाई इस बार। तो ये जोन वाइज वैकेंसीज का भी और आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, बाकी कल जो वीडियो आएगी वो जोन के ऊपर ही लेकर आऊंगा कि कौन सा जोन आपका सेफ है, कौन सा आपका खतरनाक है, डेंजर जोन है, ठीक है। तो कल वाली वीडियो का वेट करिए। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए दोस्तों, अब ढील मत दीजिएगा और 1 अक्टूबर वाली सरप्राइज को वेट करिए, मिस मत कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, आपको मेरा काम पसंद आता तो प्लीज लाइक करिए ना, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।